गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग असेंबली में मेनली जो मेरी बात रहेगी वो रहेगी कि फॉक्सिंग ऑन वर्क, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे पीएम हो, राष्ट्रपति भवन से लेकर चपरासी तक जो आम नागरिक जो किसी पद पर है, चपरासी कर ही देखा जाए ऑफिस में कितनी स्वच्छता मेंटेन करता है, चापलूस और बतूनी बादशाह किसी काम का नहीं। मैडम मैरी ने कहा था, प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री ने, कि जब तक पुरस्कार और दंड की व्यवस्था न हो सलीखे के साथ, तब तक चोर और चापलूस पड़ते जाएंगे, व्यवस्था कमजोर होती जाएगी, समाज और सरकार दो दर्पण हैं, दो शक्तियां हैं। ये देखें कि पुरस्कार किसको मिल रहे हैं और करी सिलसिले किसकी है। आज मैंने ये बताऊं उत्तर प्रदेश के नेताओं से कि आपकी आबादी पाकिस्तान जितनी है और जीडीपी अमेरिकन डॉलर थोड़ी सी पीछे, आपकी ज़्यादा पीछे नहीं थोड़ी पीछे है, मैं ये कहना चाहता हूँ पाकिस्तान से आपकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। एक अच्छा शिक्षित राज्य, गंगा का मैदान वाला राज्य, यमुना के प्रभाव वाला राज्य और त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती, विश्व स्त्री धाक वाले विश्वविद्यालयों वाला जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान एक प्रदेश जितना ही है, हम उसकी तुलना किसी अर्थ में इस महाराष्ट्र के साथ नहीं करेंगे कि उससे सिर्फ एक प्रदेश से तुलना होगी। आज तो मैं ये बताना चाहता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान की आबादी ठीक हमारे उत्तर प्रदेश जितनी है और जीडीपी अमेरिकी डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में, उस डॉलर में उसने उत्तर प्रदेश से करीब 2500 अमेरिकन डॉलर ज़्यादा है 22 के अनुसार 21 के अनुसार। तो मैं ये उत्तर प्रदेश वालों जो शासक वहाँ के प्रशासक हैं, अर्थशास्त्री हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय जो केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़े धमक वाले विश्वविद्यालय हैं, उनके छात्रों को आज मैं विशेष रूप से कहूँगा कि वो शोध करें कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या संभावनाएँ हैं और क्या करे उत्तर प्रदेश जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को पछाड़ दे। ये बात ऊपर की स्तर तक है, चुटलिया अंदाज बंद करना पड़ेगा। इसी ने कहा था, शिक्षक है क्लास में शिक्षा की बातें करे, चिकित्सक चिकित्सा करे, जब लोगों से बैठे तो साझा करे, भाई उस बीमारी में वो मेडिसिन कारगर है, वो मेडिसिन वास्तव में उसका प्रोडक्ट अच्छा है। हमारे पत्रकार और चिकित्सकों ने एक बड़ा धोखा किया हमारे साथ, इनको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, पेट पालन के लिए किसी ने कहा पाप ही पेट का सवाल है, आप अगर किसी राजनीतिक दल के अखबार में काम कर रहे हैं तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए, उससे हमें धोखा नहीं होगा। आप जोर जोर से चिल्ला कर किसी लिए प्रचार कर सकते हो, प्रचार की प्रवृत्ति है हमारे यहाँ, लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे लेते हैं, कभी बिस्कुट भी खाते देखते हैं, कभी वनस्पति, वो एक अलग चीज़ है। किसी दल के लिए प्रचार करें निश्चित रूप से करिए, आप वेतन भोगी दल की तरफ से, आँखों धूल झोंकते हैं कि मैं पैरवी करने में सत्य बोलने वाला हूँ, ऐसा नहीं, जैसा है वैसा बताइए। वो बात मैं डॉक्टर्स के साथ कहूँगा, आज मैं सभी डॉक्टर्स की बात तो नहीं कर रहा, पर मैंने देखा काफ़ी गिरवे स्तर के डॉक्टर हमारे यहाँ हैं जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कंपनी द्वारा दिए गए कमीशन के चक्कर में और
मरीजों को अच्छा उत्पाद सुझाव देने की, सिर्फ काउंसलिंग का काम करता है, और डॉक्टर इसका काम भी यही है, वो हल्के दर्जे की दवाइयाँ लिख देता है, ये उचित नहीं है। बाद में कई केमिस्ट वगैरह बताते हैं कि सर ये क्यों लिख रहा है वो, आप तो महंगा भी खरीद सकते हो, अच्छे उत्पाद महंगे ज़रूर हैं, हमारी कहावत बोले सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, यानी महंगी चीज़ जो है वो जल्दी लाभ देती है, चाहे वो ग्रेप वाटर हो, चाहे कुछ सिरप हो या अन्य कोई टेबलेट्स हो। तो मैं ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा चिकित्सकों से और पत्रकारों से, पत्रकारों से मैं कहूँगा कि आप संपादन में और दूसरी चीज़ों में, मैंने जो इकोनॉमिक बात की, हमारे यहाँ अशिक्षा दूर हो जाएगी, अस्वस्थता दूर हो जाएगी और पाखंड जो समाज से दूर हो जाएगा। सबसे पहले जरूरी है कि समृद्धि के साथ शिक्षा आती है। पहले भी आप आज़ादी के आंदोलन जिन लोगों के नाम पढ़ते हो, जिन लोगों ने भाग लिया था, उनमें से तो लाखों लोगों के नाम आपको पता भी नहीं है, क्योंकि किसान और मजदूर अशिक्षित लोग थे, उन्होंने देशी रियासतों में संघर्ष किया और वहीं समाप्त हो गए। जो लोग फेस बने थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो ये कहना चाहता हूँ, काम इन्होंने भी किया है, काम उन्होंने भी किया है, परंतु वो चेहरा नहीं बन पाए, ये लोग चेहरा बन गए क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। वो ऐसे ऐसे कौन मिल रहा है आज़ादी की बात को लेकर, जनता की समस्याओं लेकर, तो शिक्षित आदमी का स्तर ऊंचा बन जाता है और समृद्धि के बाद शिक्षा भी आ जाती है। मैं आपको तो आज भी पाकिस्तान में जहाँ बहुत ही महिला की स्थिति दयनीय बताई जाती है पाकिस्तानी मीडिया द्वारा भी, वहाँ लाहौर कराची की स्थिति बढ़िया लग है, क्योंकि विकसित शहर है, वहाँ की लड़कियाँ शहरीत के अनुसार कपड़े नहीं पहनती महिलाएं, वहाँ शहरीत के कानून नहीं, वहाँ यूरोप के कानून चलते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय मुस्लिम समाज को भी, सुनी सुनाई बातें नहीं, कराची और लाहौर में जाओगे तो हालात आपको बदली नजर आएगी। परवेज मुशरफ की पत्नी बुरका नहीं पहनती थी और न पहनती है, खुले बाल और खुली शंस करती। ये एक शिक्षित और विकसित दो शब्द हैं जो जाति और धर्म से ऊपर उठ जाते हैं, उनके लिए चीज़ें कौन हो जाती हैं, और वो आनंद की प्राप्ति के लिए खुलेपन से जीना चाहते हैं। तो मुख्य बात यही है, मैंने उत्तर प्रदेश के शोधार्थियों से कहा है जो वहाँ, मैंने बताया कि 3 वैश्विक धाक वाले विश्वविद्यालय हैं, उनके छात्रों से वो ड्राफ्टिंग पेपर पेश करें। एक छात्र मुझे बता रहा था कि सर भारत की राजनेता भी ऐसे हैं, इनमें बहुत से इतने बदतमीज भी, मैं उससे कहूँगा कि उनको बड़ी शर्म आती है, उनको अच्छी बात सुझाव दे, मुफ्त भी दे, राज्य के विकास करें तो सुनना नहीं चाहते। वो कहते नहीं, तेरा सुझाव मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता तेरे को लोकप्रियता मिले, यहाँ ये शेडी गिरी संस्कृति वाला कोई नेता भी मैं चाहता हूँ ये दफन हो जाए, इनका इस तरह विचार वाले लोगों दफन से मैं मतलब इनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाए। जब 30 करोड़ लोगों के खुशहाली जुड़ा मामला हो, ये सबसे बड़ी शोधार्थी होती है, यही समस्या है कि शोध करोगे क्या, इन लोगों शोधाचम नहीं हो रहा। जो अच्छे शोधा शोध जिन लोगों ने किया है, मैं ये मांग करता हूँ शासन से उन लोगों को प्रमोट किया जाए, राजनीति विज्ञान के छात्रों से भी राजनीति दल जगह दें, शोध करवाएं कैसे आगे बढ़ा जाए। सिर्फ प्रशांत किशोर के लिए काम नहीं चले, और भी किशोर बहुत अच्छे अच्छे क्योंकि थोड़ी सी बात स्वीकार करनी पड़ेगी, बहुत मोटी समस्या जो मैं अभी कही है, अच्छाई और सच्चाई सुनना सीखे। और यही देखो, शासक और प्रशासक सबसे प्रमुख 3 ही पद हैं, जिला स्तर पर उपायुक्त मोदी सुने, उपायुक्त मोदी अन्य को सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपायुक्त मोदी सुनने बाद तो वो सभी उसके अधीन आते हैं। राज्य स्तर मुख्यमंत्री मोदी सुने, क्योंकि अंतिम फैसला ले नहीं सकते, उनके पास ही, अन्य लोगों के पास बात करते ना, आपको लेना देना नहीं होता नीति जैसी बात। और राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चा की जाए, प्रधानमंत्री मोदी सेशन बुलाएं,
अर्थशास्त्रियों साथ वर्चुअल मीटिंग करें, उनके सुझाव लें। आज मैं ये भी कहूँगा, मन की बातों में एक मन की बात लोगों के भी सुन लें, वो अर्थशास्त्रियों की अच्छी बात सुने फिर उसको शामिल करें। उनका जो पैतृक संगठन वो जो बताते हैं RSS, अच्छी बात है, वो वहाँ से अपनी जो संगठन से उनको शक्ति मिल रही है, राजनीतिक शक्ति मिल रही है उनके लिए, उनकी पार्टी का जो है ना पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, वो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। बट हाउ टू डेवलप, हाउ टू डेवलप ए विलेज, हाउ टू डेवलप ए ब्लॉक, हाउ टू डेवलप ए डिस्ट्रिक्ट, हाउ टू डेवलप ए स्टेट एंड हाउ टू डेवलप ए नेशन, ये 5 बिंदु मैं इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट के छात्रों को भी सेंड कर रहा हूँ। और इनको ये कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट्स हैं जितनी भी, सुनो भाई, ऐसे मत करो कि मैं नहीं सुनो, क्या हो गया यार, किसे भला हो जाए, ये जनता ने चुना तेरे को, ये इस बारे में मत जी कि मैं चतुर हूँ, चतुराई किसी की नहीं चली है, लोग उफने हैं और दबे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अर्थशास्त्र के छात्र अपना शोध करें, और जो भी उपायुक्त मोदी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और स्टेट चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मैं कहूँगा कि वर्चुअल मीटिंग इन लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा आमंत्रित करें, भाग लेंगे और अच्छी बातें साझा करेंगे। थैंक्स।